नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल निफ्टी एंड स्टॉक प्रोडक्शंस में। दोस्तों, हमने आज के लिए क्या एनालिसिस किया था, हमने परसों के दिन वीडियो बनाया था और उसी टाइम हमने जो लेवल्स डिस्कस किए थे उसी हिसाब से दोनों इंडेक्स ने काम किया। दोस्तों, आज पहली बात तो मैं आपको वापस बताना चाहूँगा कि वीडियो पूरा देखिए, क्योंकि हर एक ट्रेड हमारा अच्छी तरह से एग्जीक्यूट हो रहा है लेवल्स के हिसाब से, और जो हम आज वापस नेक्स्ट लेवल कहाँ पे ओपन हो सकते हैं, कहाँ तक मार्केट जाने वाला है और उसके बिहाइंड लॉजिक क्या है, वो हर एक चीज़ इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। तो ये वीडियो पूरा ज़रूर देखिए और उससे कुछ ज़रूर लर्निंग लीजिए। दोस्तों, हमने आज के लिए जो वीडियो बनाया था मैंने सैटरडे के दिन पोस्ट किया था, फ्राइडे के दिन ही पोस्ट किया था। अगर आपने वीडियो आज देखा रहेगा और उसी हिसाब से काम किया रहेगा तो आज मजबूत पैसा बना है। दोस्तों, आज जिन्होंने पुट में बैठे लेवल्स के हिसाब से काम किया आज उन्होंने मजबूत पैसा बनाया, एग्जीक्यूट भी किया। तो दोस्तों, अभी कल तो छुट्टी है, अभी वेनसडे के दिन क्या हो सकता है, आज बहुत बड़ी सेलिंग आई। लास्ट के आधा घंटे में तो बहुत तगड़ा सेलिंग आया हमारे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से। दोस्तों, हमने क्या डिस्कस किया था पहले निफ्टी में देख लेते हैं। ओके, अभी 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जाते हैं। दोस्तों, मैंने ये आपको एक फॉलिंग वेज पैटर्न ड्रॉ करके दिया था। दोस्तों, यहाँ पे देखिए, मैं बोला इसे ड्रॉ करके रखो, एक ड्रॉ करने के लिए बोला था। ओके, एक लेवल हो गया था, ये ऊपर के साइड से भी एक ट्रेंड लाइन, मतलब एक फॉलिंग वेज पैटर्न हो गया था। इसका हमें ब्रेकआउट एक्सपेक्टेड कब था, जो लेवल्स मैंने दी थी, अभी तो कुछ भी मैंने इसमें ऐड नहीं किया है, कुछ नहीं, उसी दिन का एनालिसिस है। देखिए, ये दो लेवल्स दी थी दोस्तों, मैंने बोला था कि जैसे ही लेवल ब्रेक होगा ऊपर के साइड बैठेंगे और जैसे ही लेवल ब्रेक होगा हम नीचे के साइड बैठेंगे। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे देखिए मार्केट ओपन हुआ इसी लेवल के आसपास, 915 के आसपास, और ये ऊपर का जो ट्रेंड लाइन है वो ऊपर के ट्रेंड लाइन को रेजिस्टेंस लेते हुए यहीं पर टाइम स्पेंड किया और फाइनली निफ्टी ने गिव अप कर दिया। लगभग टाइम था 10 o'clock, गिव अप कर दिया। उसके बाद इमिडिएट हमारा ये लेवल आ गया 500, और मैंने ये भी बोला था अगर ये लेवल ब्रेक हो जाए दोस्तों तो हमारा नेक्स्ट टारगेट ओपन हो जाएगा 19,300, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है आने वाले कुछ दिनों में, वो ब्रेक नहीं होना चाहिए, ये भी हमने डिस्कस किया था। यहाँ पे क्या हुआ, उसके बाद मार्केट ने हमारा जो ट्रेंड लाइन था दोस्तों, ये देखिए, ये ट्रेंड लाइन के आसपास बहुत होल्ड किया, उसको ब्रेकआउट ब्रेकडाउन दे दिया, रिटेस्ट किया, व्हाट अ ब्यूटी ऑफ प्राइस एक्शन देखिए दोस्तों, और वहाँ से कम लगभग 160 पॉइंट्स इन 25 मिनट्स, ये बहुत बड़ा सेलिंग आया है और इसमें बहुत पैसा बना है जिन्होंने पुट में बैठा रहेगा लेवल्स के हिसाब से काम किया। ये देखिए दोस्तों, ये लेवल एक्सपेक्टेड था हमें, लेकिन लगभग 250 लो मारा, 223 था, 260 पॉइंट का आज डाउन मूवमेंट हमें देखने को मिला। दोस्तों, मैं हमेशा बोलता हूँ जिस दिन हमारे सही ट्रेड चल गया दोस्तों लेवल्स के हिसाब से, उस दिन हमें बहुत अच्छा पॉइंट्स मिलता है, 200, 150, 250 पॉइंट्स तक भी मिल सकता है। डेली में हमें इतना पॉइंट नहीं मिलेगा, डेली में हम मैक्सिमम 100 पॉइंट्स का प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर सकते हैं इंडेक्स में, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत अच्छा मूव आया और यहाँ पे अभी लगभग जो लास्ट सपोर्ट है 19,223 उसके आसपास ही है। ओके दोस्तों, अभी वेनसडे के लिए देख लेते हैं क्या एनालिसिस बन के आ रहा है, उसी हिसाब से काम करेंगे। मैं आपको वापस डेली टाइम फ्रेम पे लेके जाना चाहता हूँ दोस्तों, ये डेली टाइम फ्रेम नहीं, आपको मंथली टाइम फ्रेम पे लेके जाना चाहता हूँ दोस्तों। यहाँ पे एक अच्छा पैटर्न बन रहा है, यहाँ पे देखिए, ये मंथली पैटर्न है, ये मंथली पैटर्न में एक चैनल की तरह, मतलब इसको बोलेंगे तो आप इसको सॉरी, वो फॉलिंग वेज नहीं था, वो राइजिंग वेज था, मैंने जो आपको बोला था, ये फॉलिंग वेज का पैटर्न बन रहा है मंथली पैटर्न पे, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि इजीली ब्रेक होगा। मुझे एक्सपेक्टेड है कि वापस ये ट्रेंड लाइन तक आना चाहिए, जो ट्रेंड लाइन मुझे लग रही है 18,500। दोस्तों, आज का डेट नोट करके रखिए, मैंने बोला है 18,500 ए लेवल आना चाहिए। ओके, मुझे क्यों लग रहा है, मेरा चार्ट मुझे बोल रहा है कि ए लेवल मुझे एक्सपेक्टेड है लगभग
निफ्टी वापिस ये ट्रेंड लाइन को टेस्ट करेगा और यहां से ऊपर धीरे धीरे वापिस नया हाई बना सकता है। ओके, तो यहाँ पे हमें एक्सपेक्टेड है मंथली चार्ट पे ही यहाँ तक आना चाहिए। ओके, अभी वीकली चार्ट पे जाते हैं। वीकली चार्ट पे क्या दिख रहा है, हर एक एनालिसिस नोट करके रखो दोस्तों, बहुत काम आएगा। और इस लेवल पे आने के बाद आपकी जो फ्रेश पोजिशन है स्टॉक्स में वो आप यहाँ पे बना सकते हैं, जिसमें आपको उसके बाद 20% तो आराम से रिटर्न मिल सकता है। ओके, वीकली चार्ट पे जाते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए वीकली चार्ट में क्या दिख रहा है। ओके, वीकली चार्ट में वो पैटर्न ड्रॉ करके रखा है। नेक्स्ट लेवल जो हमारी फाइनल लेवल है 19,250, अगर ये लेवल ब्रेक होती है तो धीरे धीरे निफ्टी ए लेवल तक आना चाहिए, जो कि वही लेवल बन के आ रहा है ए लेवल तक 19,000, 18,500 to 600 तक आना चाहिए। हे मेरा चार्ट मुझे बता रहा है अभी प्राइस एक्शन के हिसाब से। ओके, हे आज का दिन नोट करके रखो, आपको जिस दिन ये टारगेट मिलेगा मुझे बता दो कि हाँ सर आपने जो लेवल्स बताए थे उसी हिसाब से निफ्टी ने काम किया और ये लेवल ला के वहाँ से ऊपर की तरफ रैली उसने चालू कर दी। ओके, ये हो गया वीकली चार्ट पे जो हमें दिख रहा है अभी कि ये लेवल तक आना चाहिए। अभी डेली पे जाते हैं दोस्तों। डेली पे मैंने क्या बोला था दोस्तों, आपको याद रहेगा यहाँ पे एक एम पैटर्न बन रहा है। ओके, ये एम पैटर्न बन रहा है और इसका नेक लाइन है जो कि मुझे ब्रेक नहीं होना चाहिए दोस्तों। जिस दिन ये नेक लाइन और ये जो सपोर्ट है फाइनल 19,330 ब्रेक हो जाएगा, मेरा 19,200 का लेवल ओपन हो जाएगा और ये जो लास्ट सपोर्ट है 19,223 अगर वो ब्रेक हो जाता है दोस्तों तो 18,600 ये लेवल मुझे एक्सपेक्टेड है निफ्टी में। तो अभी क्या होना चाहिए, यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त सेलिंग आई है, इसका कन्फर्म इसका मतलब अभी भी निफ्टी सपोर्ट में ही है। लेकिन क्या होना चाहिए, यहाँ से निफ्टी ने सपोर्ट लेके एक थोड़ा पुल बैक मिलेगा दोस्तों। मार्केट वन वे नीचे नहीं जाएगा, यहाँ पे जितने भी अभी बायर अटके हुए हैं हर एक पुल बैक में वो सेलिंग करेंगे और हर एक पुल बैक में आपको अभी सेल ऑन राइज देखने को मिलेगा दोस्तों। सेल ऑन राइज जब तक ऐसा कुछ पैटर्न बन नहीं जाता होल्डिंग का, उसके बाद ब्रेकआउट नहीं मिलता, तब तक अभी निफ्टी में बुल रन नहीं चालू होगा। निफ्टी में बुल रन चालू करना रहेगा तो 19,550 के ऊपर हमें एक अच्छी खासी क्लोजिंग चाहिए, तभी हम निफ्टी में बुल रन की एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। ओके, अभी क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे आपको वापिस से निफ्टी लेके जाएगा 19,500 तक आ सकता है निफ्टी, आएगा डेफिनेटली आएगा। यहाँ पे आपको अपना प्रॉफिट बुक कर लेना है और यहाँ से वापिस निफ्टी मुझे लग रहा है कि 19,000 और 18,600 के तरफ जा सकता है। ओके, ये शॉर्ट टर्म के लिए बोल रहा हूँ दोस्तों, इंट्राडे में नहीं बोल रहा हूँ, शॉर्ट टर्म के लिए हमारे टारगेट से उस हिसाब से निफ्टी काम कर सकता है। फाइनली अभी इसने ये ब्रेक कर दिया है तो उसी हिसाब से देखेंगे। ओके, उसके बाद यहाँ पे हमने जो पैटर्न डिस्कस किया था दोस्तों, यहाँ पे राइज फॉलिंग वेज पैटर्न था, राइजिंग वेज पैटर्न था, लेकिन उसने फाइनली डाउन साइड में ही मूवमेंट दिया और वो मूवमेंट हमें यहाँ तक मिल गया है। अभी क्या करना है, अभी वेनसडे के दिन हमें किस लेवल्स के हिसाब से काम करना है दोस्तों अभी दो ही लेवल्स इंपॉर्टेंट है। अभी मैं ऊपर का पैटर्न निकाल देता हूँ दोस्तों, इसका अभी कुछ काम नहीं है। ओके, अभी क्या करना है, आपको सिर्फ ये लेवल ड्रॉ करके रखनी है, बहुत ही अच्छा सेलिंग आया लेवल से, तो आपको एक लेवल यहाँ पे ड्रॉ करनी है जो कि एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। ओके, अभी नीचे का तो मैंने ऑलरेडी ड्रॉ करके रखा है दोस्तों। आपको क्या करना है, यहाँ पे क्या एक वापिस बोल रहा हूँ दोस्तों, पैराबोलिक मूव है, ये पैराबोलिक मूव है, ऐसी मूव सस्टेन नहीं करती दोस्तों। मार्केट में जाके बैक टेस्टिंग कीजिए, अगर मार्केट वन वे ऊपर जा रहा है कभी सस्टेन नहीं करेगा, कभी नहीं। मार्केट वन वे नीचे आ रहा है कभी सस्टेन नहीं करेगा, कुछ ना कुछ उसको बेस चाहिए दोस्तों। हमेशा मार्केट सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर काम करता है और उसी हिसाब से काम करेगा। ये जैसा मूव आया है वैसा मूव अभी दोस्तों वेनसडे के दिन भी आ सकता है। मेरे वर्ड्स यार ध्यान से सुनिए, वापिस ये मुंह वी शेप मुंह आपको देखने को मिल सकता है।
तो अभी क्या करेंगे, लेवल्स के हिसाब से काम करेंगे दोस्तों। अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होता है और 19,223 के आसपास आता है, पुट में बैठना नहीं है, पुट में बैठना नहीं है, कुछ भी नहीं करना है। वेट फॉर दिस लेवल, वेट फॉर सम प्राइस एक्शन। यहाँ पे आने के बाद अगर होल्ड कर रहा है ओके दोस्तों, और होल्ड कर रहा है और यहाँ से ब्रेकआउट दे रहा है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे इंडेक्स में 20-30 पॉइंट का एसएल लगाना है। इसके नीचे कुछ भी नहीं करने का है, ये इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट जोन है दोस्तों, वापस याद रखो, इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट जोन है। इस लेवल के आसपास बिल्कुल भी शॉर्ट का सोचने का नहीं है जब तक हमें कंफर्मेशन नहीं मिलता तब तक ओके। लेवल के आसपास आने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे होल्ड करते हुए दिख रहा है, ऊपर की साइड ब्रेकआउट दे रहा है, डेफिनेटली पुल बैक में एंट्री लेनी है। टारगेट वहां से 100 पॉइंट इमिडिएटली मिलेगा, 100 पॉइंट निफ्टी में आपको 19,350 तक टारगेट मिलेगा इमिडिएटली, 100 पॉइंट्स का यहाँ पे आपको गेन मिल जाएगा ओके। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे भी दोस्तों कुछ भी, यहाँ पे पैराबोलिक मूव है, यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है। निफ्टी को अगर ब्रेक करना रहेगा तो ये 400-450 तक भी आ सकता है, लेकिन 19,330 के आसपास आने के बाद आपको प्रॉफिट बुक कर लेना है। 100 पॉइंट इज इनफ फॉर इंट्राडे ओके। फ्लैट ओपन होने के बाद ये लेवल के पास आता है, होल्ड करता है, ब्रेकआउट देता है, पुल बैक में एंट्री लेनी है। 19,250 के आसपास आपको एंट्री लेनी है, 350 तक आपका टारगेट रहेगा, टारगेट बुक कर लेना है ओके दोस्तों। अगर फ्लैट ओपन होने के बाद ऊपर जा रहा है ओके, ऊपर जा रहा है और इस रेंज के ऊपर जा रहा है, अभी यहाँ पे मैं आपको एक काम कर रहा हूँ, एक मिनट, 1 मिनट टाइम फ्रेम पे लेके जाता हूँ दोस्तों। 19,316 ओके, यहाँ से 250 है ओके, 19,316 और 19,280 ये जो जोन है, यहाँ से एक कभी भी सेलिंग आ सकती है। आपको क्या करना है कि 19,300 के ऊपर अगर फ्लैट ओपन होता है, निफ्टी अगर फ्लैट ओपन होता है और 19,300 क्रॉस करता है लेवल, यस 19,300 क्रॉस करता है लेवल, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे फ्लैट ओपन होने का ऊपर के साइड पुल बैक में वापस एंट्री लेनी है। यहाँ से वापस आपको 100 पॉइंट का टारगेट रखना है, मतलब 19,400 तक आपको टारगेट मिल सकता है फ्लैट ओपन होने का, ऊपर से ऊपर जाने के बाद पुल बैक में एंट्री लेके 19,400 तक ओके दोस्तों। अगर इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपन होता है और उसका कंफर्मेशन भी मिल जाता है, तो वेट फॉर सम पुल बैक। यहाँ पे 19,290 के पास आने के बाद आपको यहाँ पे अगर कोई ग्रीन कंफर्मेशन मिल रहा है, तो वहां से 20-30 पॉइंट का एसएल लगाइए और यहाँ पे आपको कॉल में भी एंट्री लेनी है। टारगेट वापस 19,400 और 440 तक आपका टारगेट रहेगा ओके। यहाँ पे किसी भी हालत में आपको प्रॉफिट बुक कर लेना है, यहाँ से ज्यादा कुछ भी नहीं मिलेगा, जो लालच में पड़ेगा उसको वापस ये लेवल देखने को मिलेगा ओके दोस्तों। अगर गैप डाउन ओपन होता है इस लेवल के नीचे 19,223 और 19,200 तक जाता है और वापस ये लेवल के अंदर आ जाता है 19,220 के ऊपर, तो दोस्तों यहाँ पे पुल बैक में आपको यही पैटर्न देखने को मिलेगा, एक लो बनाएगा उसके बाद हाई बनाएगा या हायर हाई पैटर्न देखने को मिलेगा। जैसे इसका नेक लाइन ब्रेक करेगा दोस्तों, आपको पुल बैक में एंट्री लेनी है, टारगेट वापस 19,400 तक आपको देखने को मिल सकते हैं ओके दोस्तों। यहाँ पे एक वापस बात बताना चाहूँगा, अगर निफ्टी ने अगर ऊपर के साइड रैली दी और ए लेवल के पास आया 19,440 के आसपास, यहाँ पे अगर आपको रिजेक्शन दिख रहा है ओके, यहाँ पे रिजेक्शन दिख रहा है, यहाँ पे यही एसएल लगाना है दोस्तों और आपको वापस 19,330 तक आपको लेवल देखने को मिल सकती है पुट में। तो यहाँ पे आपको शॉर्ट में बैठना है और इस लेवल के आसपास आपको बाय में बैठना है दोस्तों। यहाँ पे निफ्टी का देख लिया, बैंक निफ्टी का भी देख लेते हैं ओके। बैंक निफ्टी का हमने क्या डिस्कस किया था दोस्तों, देखिए आज क्या हुआ, मार्केट ए लेवल के पास, उसकी लेवल के आसपास ओपन हुआ। इस लेवल पे मैंने बोला था, यहाँ पे एक पैटर्न ड्रॉ करके दिया था, ये ट्रेंड लाइन देखिए, इस लेवल पे लगभग निफ्टी ने, बैंक निफ्टी ने यहाँ पे 235 चार घंटा यहाँ पे टाइम वेस्ट किया। टाइम स्पेंड करने का जिस कैंडल ने ब्रेकडाउन दिया, यहाँ से 300-400 पॉइंट का यहाँ पे मूवमेंट देखने को मिला लास्ट के 45 मिनट्स में दोस्तों। सो मार्केट आपका पेशेंस टेस्ट करता है और पेशेंस में इतना आपको भर भर के मार्केट दे जाता है
दोस्तों यहाँ पे अभी मैं आपको वापस मंथली चार्ट पे लेके जाना चाहूँगा। जिस दिन मैंने आपसे डिस्कस किया था कि आपको एक पैटर्न दिखाना चाहता हूँ वापस, यहाँ पे देखिए एक राइजिंग वेज पैटर्न दिख रहा है। इसमें आपको वापस एक डाउन मूवमेंट, अगर ये लेवल ब्रेक तो नहीं होगा लेकिन मुझे लग रहा है कि 42,000 हमें लेवल बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है। उसी हिसाब से आपको काम करना है। ओके, यहाँ पे अभी वीकली चार्ट में जाता हूँ। आपको वीकली चार्ट में मैं आपको उस दिन बोला था कि एम पैटर्न बन चुका है, इसका कंफर्मेशन हमें लेना है। अभी यहाँ पे क्या हुआ, इसने नेक लाइन ब्रेक कर दिए दोस्तों। देखिए ये वीकली अभी क्लोज नहीं हुए, 3 दिन बाकी है। अगर यही सस्टेन कर जाती है नीचे के साइड तो ये डाउन मूवमेंट चालू हो जाएगा और लेवल 42,000 हमें देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी में। ओके, तो हमें क्या करना है अभी यहाँ पे डेली चार्ट में आपको लेके जाता हूँ। ओके, डेली चार्ट में भी हमें फाइनली यहाँ पे ब्रेक डाउन मिल चुका है दोस्तों। यहाँ पे देखिए अभी यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे पुल बैक जैसे ही मिलेगा, थोड़ा पुल बैक में आपको शॉर्ट में बैठना है। वापिस ये ट्रेंड लाइन तक टारगेट रहेगा जो कि 42,000 आने वाले कुछ दिनों में हमें देखने को मिल सकता है। यहाँ से 1,000 पॉइंट का फॉल वापिस बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है। ओके, तो इंट्राडे के लिए देख लेते हैं, वेनसडे के लिए। ओके दोस्तों, हमें प्लान कैसे करना है। ओके, प्लान देख लेते हैं दोस्तों। अगर फ्लैट ओपन होता है निफ्टी, और फ्लैट ओपन होते ही नीचे जाता है और ये लो को भी काट देता है, तो दोस्तों डेफिनेटली यहाँ पे एक बात बताना चाहूंगा कि पुल बैक में एंट्री ले सकते हैं, लेकिन आगे एक साइकोलॉजिकल और एक राउंड नंबर है 43,000। अगर ये राउंड नंबर के पास आने के बाद यहाँ पे आपको दिख रहा है कि होल्ड कर रहा है दोस्तों, एक हमेशा जो राउंड नंबर्स रहते हैं वो एक साइकोलॉजिकल लेवल रहता है, और वहाँ पे बहुत टाइम बहुत बार आपको वहाँ से मार्केट बाउंस बैक हुए भी देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे अगर 43,000 के पास आने के बाद, फ्लैट ओपन होने के बाद ये लो को काटता है और यहाँ से 150 पॉइंट का डाउन मूवमेंट दिखता है, और 43,000 आने के बाद यहाँ पे होल्ड कर रहा है और होल्ड करने के बाद ऊपर के साइड ब्रेकआउट दे रहा है, तो डेफिनेटली दोस्तों यहाँ से 300-400 पॉइंट बैंक निफ्टी में रैली देखने को मिल सकती है, जो कि आना ही चाहिए दोस्तों। उसमें कोई अभी बहुत दिनों से मार्केट वन में फॉल कर रहा है दोस्तों, वन में मार्केट किसी भी साइड नहीं जाएगा ऊपर या डाउन, उसको थोड़ा पुल बैक लेना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे होल्ड करने के बाद बैंक निफ्टी ऊपर के साइड जा सकता है 43,400 तक। तो इस लेवल पे आने के बाद आपको देखना है, होल्ड करता है ब्रेकआउट लेता है तो यहाँ पे पुल बैक में एंट्री लीजिए और वहाँ से 400 पॉइंट का बैंक निफ्टी में टारगेट रख सकते हैं दोस्तों। अगर फ्लैट ओपन होता है और ऊपर के साइड जाने के लिए रेडी हो जाता है मार्केट और ये लेवल को काट देता है 43,200 को, ओके 200 जैसे ही दोस्तों ब्रेकआउट मिल जाएगा उसके बाद पुल बैक में आपको देखना है। अगर यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन रही है तो डेफिनेटली दोस्तों 43,500 ये हमारा टारगेट रहेगा, जो कि लगभग 300 पॉइंट्स हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है। इस लेवल के पास आने के बाद आपको डेफिनेटली यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेना है और वहाँ से निकल जाना है। उसके बाद आप रिवर्स पोजीशन का सोच सकते हैं। यहाँ पे अगर रिजेक्शन मिल रहा है तो रिजेक्शन के बाद आप वहाँ पे थोड़ा एसएल का रिस्क लेके वापस 43,200 के लिए खेल सकते हैं। ओके दोस्तों, अगर गैप डाउन ओपन होता है, गैप डाउन ओपन होता है और ये लेवल को काट देता है, ओके, और उसके बाद 43,000 को भी काट देता है और सेकंड लेवल 42,900 के पास बैंक निफ्टी आ जाता है, ओके, तो आपको देखना है कि वापस ये रिटेस्ट के लिए यहाँ पे आ रहा है क्या। अगर यहाँ पे आ रहा है दोस्तों और यहाँ से वापस रिजेक्शन दिख रहा है आपको, ये आज के डे लो को यहाँ से रिजेक्शन मिल रहा है, तो डेफिनेटली यहाँ पे शॉर्ट का पोजिशन बनाए, वहां से 70-80 पॉइंट इंडेक्स में एसएल लगाइए। टारगेट आपको 43,42,600 तक देखने को मिल सकते हैं, जो कि 400 पॉइंट का फॉल रहेगा बैंक निफ्टी में। ओके दोस्तों, गैप ओपन, अगर मार्केट गैप ओपन होता है और उसका कंफर्मेशन भी मिल जाता है और इमिडिएटली मार्केट 43,500 के पास चला जाता है, तो वहाँ पे कॉल में बैठने के लिए कोई ये नहीं रहेगा, कोई लॉजिक नहीं रहेगा। तो यहाँ पे आने के बाद अगर आपको कोई रिजेक्शन मिलता है और रिजेक्शन का कंफर्मेशन भी मिल जाता है, तो डेफिनेटली वहाँ पे शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कीजिए। वहाँ से वापस 43,000 का टारगेट हमारा रहेगा, जो कि लगभग
300 और 400 पॉइंट्स हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। ओके तो दोस्तों यहाँ पे बैंक निफ्टी का जो लेवल्स है यही दो लेवल्स इंपॉर्टेंट है अभी फिलहाल, और फाइनली मार्केट का नेक्स्ट लेवल ओपन हो सकता है 42,500 जो कि एक राउंड नंबर है, तो वहाँ पे मार्केट होल्ड कर सकता है, और ये 43,000। तो इस अभी इस लेवल के पास जब जब मार्केट आएगा आपको सिर्फ शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है दोस्तों। जैसे ही यहाँ इस लेवल पे आएगा आपको देखना है कि यहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी बन रही है या नहीं, जैसे ही कोई आपको शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी बन रही है तो वहाँ पे शॉर्ट कीजिए छोटा एसएल के साथ और बड़े टारगेट्स के लिए बने रहे। दोस्तों यहाँ पे आपको एक बात बताना चाहूँगा कि जिन्होंने आज पुट लिया रहेगा, एक जस्ट एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको एक चार्ट दिखाता हूँ। ओके मतलब मार्केट कैसे काम करता है आपको जीरोधा में दिखाता हूँ। ओके ऑप्शन में पैसा कैसा बनता है दोस्तों, यहाँ पे देखिए बैंक निफ्टी ने कितने बजे ब्रेकआउट दिया, लगभग 2:30-2:35 को हमें कंफर्मेशन मिल गया। अगर कंफर्मेशन के हमें बोलते हमेशा कंफर्मेशन के बाद एंट्री लेनी है, उसके बाद वापस 240 को हमें यहाँ पे रिजेक्शन देखने को मिला, तो इस कैंडल पे हमारी एंट्री बनती थी दोस्तों। और उस टाइम यहाँ पे देखोगे तो 43,500 चल रहा था, अगर 43,550 चल रहा था तो अगर 43,500 का पुट आपने ऐड कर किया रहेगा और उसमें बाइंग की रहेगी, यहाँ पे एसएल देखिए मैं वापस बोल रहा हूँ 2:40। ओके 2:40 में यहाँ पे देखिए इस लेवल, यहाँ पे देखिए ओपन क्लोज और उसका प्राइस 2:40 में ये ओपन हुआ 227, इसने हाई मारा 245 और इसने लो मारा 212 और क्लोज किया 236। अगर आपने नेक्स्ट कैंडल में भी एंट्री लिया रहेगा 240 के आसपास, अगर आपने 240 का एंट्री लिया रहेगा आपका एसएल दोस्तों सिर्फ 30 पॉइंट का था, 240 में अगर आपने एंट्री लिया रहेगा तो 210 का आपका एसएल था इस कैंडल के नीचे। ओके तो और वहां से टारगेट देखिए दोस्तों, इसने हाई कितना मारा, इस साइड देखिए, ये साइड पे देखिए हाई कितना मारा 590 दोस्तों, 590 इसने हाई मारा, मतलब आपका जो कैपिटल है डबल हो गया, जिसने चार लॉट लिया रहेगा उसने 300 पॉइंट इसमें बनाया रहेगा, 200-250 पॉइंट तो आराम से बना रहे। तो ये ऑप्शंस काम करता है दोस्तों। यहाँ पे देखिए कितने दिन से टेस्ट कर रहा था आपके पेशेंस, मैं हमेशा बोलता हूँ मार्केट पेशेंस टेस्ट करता है, उसके बाद ये मूवमेंट देखिए दोस्तों, व्हाट अ मूवमेंट, ये चार दिन का आपको सब एक ही मूवमेंट में पैसा दे दिया बैंक निफ्टी में। तो दोस्तों इस हिसाब से ही आपको काम करना है, पेशेंस के साथ वेट करना है, एसएल के साथ बना रहना है और बड़े टारगेट्स के लिए खेलना है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने जो भी एनालिसिस किया उसको वापस वेनेसडे के लिए अच्छे से एनालिसिस आपकी चार्ट के ऊपर ड्रॉ करके रखिए, आपको लेवल्स बहुत ही काम आएंगे और हमारा हर एक ट्रेड जो भी हम यहाँ पे एनालिसिस कर रहे हैं उसी हिसाब से काम कर रहा है और उसी हिसाब से हमें टारगेट मिल रहे हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा रहे तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।